आपको गणेश जी बनाने सिखाऊंगा, आपने ध्यान से देखना है गणेश जी कैसे बनेंगे, ठीक है? और अच्छे से आपने गणेश जी बनाना है, समझ के तब बनाना है, ओके? तो स्टार्ट करते हैं हम गणेश जी। सबसे पहले हमने गणेश जी बनाने के लिए एक यू बनाना है, ठीक है? यू बनाने के बाद हमने यहां से ये यू के पास से ही सूंड लेनी है। सूंड का ऊपर का हिस्सा आपका मोटा होएगा और नीचे का हिस्सा जो है वो पतला होता है। इसको ऐसे टर्न देके यहाँ से दांत बन जाएंगे गणेश जी के। अब यू के बीच का हिस्सा जो है हमने रब कर देना है, इसमें हमने गणेश जी की ये आईब्रो बना दी है। बाल बनाने के बाद ये हमारा गणेश जी का फेस बन गया है। यहाँ पे डमरू बना देंगे गणेश जी के हाथ के ऊपर। यहाँ पे चार उंगलियाँ बनानी है गणेश जी की, डमरू पकड़े हुए दिखाना है, ठीक है? और ये डमरू वाली लाइन यहाँ से जहाँ पे उंगलियाँ आ रही हैं यहाँ से रब कर देनी है और ऊपर से गोलाई दे देनी है। ये गणेश जी के हाथ के नाखून दिखा देने हैं हल्के हल्के से। ये डमरू की डोरी है,
गणेश जी की एक टांग है जो ऊपर को उठी हुई है, ये धोती है, गणेश जी ने धोती पहनी हुई है जो यहाँ पे पैर आ जाएंगे। ये गणेश जी का दूसरा पैर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अंगूठा एक दो तीन, thank you.
ये हाथ आ जाएगा, एक उंगली, दो उंगली, तीन, चार, ठीक है। ये बाल आ जाएंगे, बालों में शेप देना ताकि अच्छा लगे। हाथों में कंगन, कंगन बन जाएंगे हाथों में, दोनों हाथों में कंगन बना देंगे। अब ये जो धोती पहनी हुई है श्री गणेश जी ने, उसके कपड़े की चुनटे दिखा देंगे, जैसे इधर दिखाई वैसे ही। अब ये बाजू बंद है, इसको बाजू बंद बोलते हैं। इसको बाजू बंद बोला जाता है। जो धोती का पल्ला था वो दिखा देना है। ये पल्ले की लटकन है, गणेश जी के कान बना देने हैं हमने। इस तरह की मूर्ति कड़ा बना के इधर भी बाजू बंद बना देंगे।
आप गणेश जी के तिलक लगा देंगे। ये जैसे हाथी की सूंड पे लहरें होती हैं, ऐसे ही हम लहरें इसकी बना देंगे। अभी हमारे पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसे ही गणेश जी तैयार करने हैं और ध्यान से देखते हुए समझ के पूरा फिर आपने इसको तैयार करना है। सब बच्चे अच्छे से बनाना। ओके।